1732 में आज ही के दिन भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का जन्म हुआ था। 1750 में वॉरेन हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के रूप में कोलकाता आए और कुछ दिन बाद उन्हें कासिम बाजार का अध्यक्ष बना दिया गया। 1772 में इन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल के दौरान न्याय सुधारों के अंतर्गत जमींदारों के न्यायिक अधिकार खत्म कर दिए। 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा स्थापित किया। 1956 में आज ही के दिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। बाबा साहब एक बहुजन राजनेता और प्रोत्थानवादी भी थे। अंबेडकर ने अपना सारा जीवन भारतीय समाज में स्थित जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में बिताया। अंबेडकर ने 1936 में आजाद लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 15 सीटें जीती। 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में मशहूर पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया। अंबेडकर की लेबर पार्टी ने पाकिस्तान प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई। इस समिति के लिए दिसंबर 1940 तक अंबेडकर ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। वह पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित हुई। बाबा साहब ने भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार किया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, बेहतरीन और शक्तिशाली संविधान है, जिसे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। 1978 में आज ही के दिन स्पेन के नागरिकों ने 40 साल के तानाशाही शासन के बाद लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदान किया था। यह जनमत संग्रह स्पेन के नए संविधान की स्वीकृति के लिए कराया गया था। नए संविधान में राजशाही के मौजूदा ज्यादातर अधिकार खत्म किए जाने का प्रावधान था, हालांकि इनमें से कई अधिकार स्पेन के तानाशाह जनरल फ्रेंको ने पहले ही खत्म कर दिए थे। स्पेन के राजा तत्कालीन जुआन कार्लोस और रानी सोफिया ने नए संविधान का समर्थन किया था। और 1992 में आज ही के दिन अयोध्या की बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। इस घटना के बाद भारत में भयानक सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो गई। घटना की शुरुआत पहले मस्जिद के आसपास एक धार्मिक जुलूस से हुई थी, जिसका आयोजन दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने किया था, जिसमें देश की तत्कालीन मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी भी शामिल थी। हिंदू बाबरी मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनके आराध्य भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था। घटना के बाद पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई थी और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। इसके बाद हुई केंद्रीय कैबिनेट की आपात बैठक में बीजेपी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद की सुरक्षा में नाकाम रहने पर बर्खास्त कर दिया गया था। राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को कोर्ट के जरिए सुलझाने की बात कही और फिर अदालती कार्रवाई शुरू हुई। लंबी सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2010 में विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। इसमें एक हिस्सा रामलला को, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा कर रही है, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपने की बात कही गई। तीनों पक्ष पूरी जमीन पर अपना हक जता रहे हैं और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है।